हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा। और फ्रेंड्स, आज है बुधवार, इवनिंग हो चुकी है, तो मैं और विनोद कर रहे हैं चाय को एंजॉय। बहुत टाइम से चाय को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, अकेले अकेले चाय पीते हैं, मज़ा नहीं आता, विनोद लेट आते हैं, तो आज विनोद आ गए थे टाइम से, अराउंड 4 o'clock आ गए थे। और नीरज की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वो और जल्दी आ गए थे, तो अब शाम की चाय हम इकट्ठा एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मिस करती हूँ मैं इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, डिनर का टाइम हो चुका है और हम लोगों ने लंच लेट किया था, और लंच में लिया था दाल चावल, तो अराउंड 4:30 के अराउंड हम लोगों ने लंच किया था। तो अभी इवनिंग स्नैक्स में किसी का मन नहीं था, तो मैंने इवनिंग स्नैक्स बनाए नहीं, और डिनर करने का अभी ज़्यादा मूड नहीं है, तो विनोद ने बोला कि चने ही बना लो, जो मैं इवनिंग में बनाने वाली थी वो डिनर में बन रहे हमारे चटपटा चना। तो चने को मैंने क्या किया था, ऑयल गरम करके उसमें जीरे का तड़का लगाया था और चने उसमें फ्राई कर लिए थे, फ्राई मतलब थोड़े से भून लिए थे बिल्कुल जैसे हल्के से ऑयल में, और उसमें नमक डाल के 5 से 7 मिनट के लिए इनको फ्राई होने के लिए छोड़ देना है, तो थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। और नमक ज़रूर उसी टाइम पे डालना है, अदरवाइज बाद में हम नमक डालेंगे तो वो नमक फिर अपना पानी छोड़ देगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर इनको कम्प्लीटली ठंडा होने देना है हमें, जब ये ठंडे हो जाएंगे या थोड़े से हल्के से गर्म भी आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुकम्बर, टमाटो और अनियन कट कर लिया है। अब मैं इन तीनों चीज़ों को डाल करके, आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट ये ऐसे भी अच्छा लगता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर इसमें शिमला मिर्च डालना चाहें या कुछ और वेजिटेबल्स डालना चाहिए, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, बट चटरा चना ऐसे ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सिर्फ जो चाट मसाला होता है वो डाल दूँगी, और इसमें जाएगा नमक, सॉरी नींबू और धनिया, हरा धनिया तो यही डालना है, और मिर्ची डालनी है। अगर जैसे भी परी खाएगी तो मैं इसमें क्या किया, मैंने भी सिर्फ गरम मसाला डाला है, और लेमन था नहीं तो लेमन, ये मेरे पास जूस है इसका, वो मैं इसमें 2 स्पून डाल दूँगी और इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। तो बस ये हमारा जो चटपटा चना है वो रेडी हो जाएगा। पर परी को भी खाना है तो मैं मिर्ची डालने से पहले बाकी मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी है, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये आपका जो चटपटा चना है वो रेडी हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा एक डिनर है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं उसके लिए, या आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, किसी भी टाइम, मतलब आप इसको खा सकते हैं, ऐसे कोई फाउंडेशन नहीं है कि तभी खाना है। तो मैंने अब यहाँ पर मैं तभी के लिए निकाल देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ पर मिर्ची डालने वाली हूँ। आप चाहे तो मिर्ची को जब आप इनको फ्राई कर रहे हैं तब भी डाल सकते हैं, और ये उस तरह से फ्राई नहीं करना है, मैं उसको क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको, उस तरह से इसको करके रख देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं हम तीनों के लिए, परी के लिए मैंने अलग से निकाल दिया है, तो आप बच्चों को भी दीजिए, बहुत ज़्यादा आयरन होता है और प्रोटीन होता है इसके अंदर। यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया है कटा हुआ धनिया, इससे टेस्ट बढ़ जाता है बहुत ही अच्छा। और इसके बाद बस इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देना है, और ये हमारा जो चना है रेडी हो जाएगा। और ये था आज का हमारा डिनर, तो बहुत ही मतलब आपके पेट को एकदम फुल कर देता है, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि भूखे हैं आप। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं डिनर में ऑप्शन, वेज ऑप्शन, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए डिनर में, और इस तरह से मिक्स कीजिए तो उसका टेस्ट अच्छा आता है।
तो ये एक रेसिपी और मैंने दे दी है जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और जिनको वेजिटेरियन रेसिपी चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और आप इसको अपनी स्नैक्स पार्टी में भी रख सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप पूरी बना रहे हैं तो आप इसको भी दे सकते हैं साथ में, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये पूरी के साथ खाने में भी और एज अ स्नैक्स खाने में भी, पार्टी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, थर्सडे मॉर्निंग की। परी मैडम सुबह उठते ही पानी पानी करने लग जाती है, खुद तो पानी पीती ही है, पौधों में भी पानी डाल देती है। तो यहाँ पे हमारे मैडम ने सारे पौधों को पानी दे दिया है सुबह उठते ही, और वापस भी लगा दिया है जो जहाँ पर वहीं पर, और पानी गिरा भी दिया है। बट अच्छा लगता है, परी को बहुत चिंता रहती है, जब भी वो पानी का नाम आएगा तो वो पौधों में पानी जरूर देती है। और ये देखिए गीली हो गई है, तो बता रही है कि मैं गीली हो गई, पानी अपने ऊपर गिरा लिया इसने। बहुत ही क्यूटी क्यूटी से शरारत करती रहती है परी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हो गए हैं थर्सडे, और सबका नाश्ता पानी हो गया, तो मैं बना रही थी मीठी लस्सी, और उसके साथ मैं डालूंगी ये रूह अफ़ज़ा। तो उसमें मैंने दही डाली है, दही में पानी है, और थोड़ा सा उसमें डालूंगी खांड क्योंकि ठंडी होती है। मैंगो शेक वगैरह कुछ पीने का मन नहीं है, तो मैं सोचे लस्सी पी लेती हूँ, वो बहुत ज़्यादा गर्मी रखी है। 1.5 ही डाला है, और उसकी चाय डाल दी मैं रोटी का। तो ये भी इससे टेस्ट काफी चेंज हो जाता है लस्सी का। तो ये एक और रेसिपी है, अगर आप लोगों को बनानी है तो काफी टेस्टी बन जाती है इससे। जैसे जो मीठी लस्सी प्लेन बनाते हैं उसके साथ 2 चम्मच ये डाल लो आप, तो बिल्कुल ही टेस्ट चेंज हो जाएगा। और इसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है, बहुत सारे लोग रख देते हैं, मैं भी रख देती थी, बट इससे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसको बाहर ही रखना है, और इसको कर देंगे सिर्फ अभी मिक्स। ठंडा ठंडा चाहिए तो और ठंडा पानी में मिक्स कर लेती हूँ। हाँ खाना, और कुछ चाहिए खाना? और फिलहाल मैं परी के लिए बना देती हूँ दूध। और काफी सालों का क्वेश्चन था कि परी को मैं कौन सा दूध देती हूँ, तो परी को मैं अभी फुल 1.5 साल ये हो चुकी है, तो जो अमूल वाला, अमूल का लेते हैं ना, जो अमूल का आता फुल क्रीम वो देती हूँ। उसको मैं बॉईल करके रखा था, जिससे मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, तो ये ठंडा भी हो गया, उसको ठंडा पसंद है, और वैसे बच्चे ठंडा ही पीते हैं, तो वैसे भी देना चाहिए। तो इसमें मैं बस जस्ट या तो मिला देती हूँ मैं हर्सी सिरप, ये उसको बहुत ज्यादा पसंद है, या जैसे अभी रूह जो है तो मैं ये मिला दूंगी, और कुछ भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत अगर होता है कि इससे मीठा ऑलरेडी हो जाता है, मीठा मिलाने की जरूरत नहीं है, कोई चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही हो जाता है।
और अभी मैं फिलहाल इसको ये मिला के दे रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट भी सेम ही आएगा। तो परी इसको आराम से पी लेती है, ग्लास से पीती है और बोतल से पीती है। तो जो बोतल का लिंक है मैं वो दे दूंगी, वो स्टील की बोतल है और उसमें ठंडा गर्म जैसे आप डालोगे वैसा ही रहेगा। बस आप कुछ भी कर लीजिए जैसे तो मैं देती हूँ परी को। आप जैसे गांव में तो ठीक है जो भैंस का दूध है वो मिल जाता है, गाँव या भैंस का जो भी आप दूध देना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं मिलता। अगर आप लेते भी हो तो ऐसा होता है ना कि मतलब पता नहीं होता है क्या मिक्स किया हुआ क्या नहीं। कम से कम जो थैली का दूध है वो सेफ तो होता है और डॉक्टर भी वही बोलते हैं आप वो पिला सकते हो, कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने परी का ऊपर वाला दूध जो अमूल की थैली का है वो स्टार्ट किया है और उसमें सिर्फ मैं कभी ये मिला देती हूँ, कभी हल्का सा बॉर्नविटा, बिल्कुल थोड़ा सा। वैसे 2 साल से ऊपर के बच्चों को देना चाहिए बट ठीक है वो उसको डाइजेस्ट कर लेती है तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और मैंने अभी इसको रोक जा मिला लिया, टेस्ट उसका सेम है तो देखते हैं आज वो इसको पीती है नहीं पीती। अदरवाइज वो जो हर्षी सिरप वाला है उसको पी लेती है, तो मैं भी उसको इसमें डाल के दे रही हूँ। चलो देखते हैं कि परी पिएगी कि नहीं। परी दूदू, ओहो कहाँ से ली टॉफी खा रहे हो, कहाँ से खाई, कहाँ से मिल गई? ओ मैं टॉफी रखना भूल गई और खा गए आप? दूदू दूदू पीना, लो ये रहा आपका दूदू, नाउ टॉफी मम्मा को दे दो, टॉफी दे दो मम्मा को। टॉफी नहीं देगी अब, अब तो इसको खा के ही पिएगी। और देखो इसका चलना, देखो इसको बदमाश का, देखो देवे नो इसको, देख एडी उठा उठाई बदमाश लड़की। और शर्ट कौन पहनेगा, नंगू पुंगू घूमती है बदमाशा चल रही है। मिल्क फिनिश, फिनिश करो मिल्क का आपका, ये रहा आपका मिल्क, फिनिश करो। हेलो हेलो हेलो, आशीर्वाद दे रही है, वो कर रही है, हेलो कर रही है, हेलो फ्रेंड्स देख ला, मस्त आ रहा ना, मस्त आ रहा ना। और वेदर देखिए, चेंज कर दे, नहीं फिर बार बार चेंज करूंगी, बार बार क्या कापरी पर बाल हटा रही है, बाल आ रहे हैं, बाल हटा रही है परी। कहाँ है परू, कहाँ है परू? दोपहर को तू आता तो ऐसा मौसम में नहीं था, विनोद लड़ाई कर रहे हैं कि तेरे को 3 बजे आना चाहिए था और अब देखो कितना मस्त मौसम है, इतना अच्छा मौसम नहीं मिलता, घूम ही रहे हैं, घूमने चलो, चल थोड़ा। हम आए हैं बिग बाजार, बिग बाजार में चल रही है सेल, मतलब कुछ ऑफर चल रहे हैं उसके लिए, और मौसम हो रखा है अच्छा, सही मंदिर जाने का मन नहीं कर रहा है बहुत ही अच्छा, हाँ महीने का राशन लेने आए हैं और उसके बाद मैं नहीं करूँगी शॉपिंग। ऐसे तो फिर तू बनाओ, फिर तू देखना ऐसे। तो बस पहुंच गए हैं हम और दिखाते हैं आप लोगों को क्या ऑफर चल रहा है क्या नहीं। और ये देखें कितना मस्त मौसम है ना, मजा आ गया। परू परू कैसा लग रहा है, हेलो खड़े रहो थोड़ी देर बाहर, बैठ जाते हैं चेंज करे इसने से पाएगा। अच्छा चलो मैं चेंज करके देखना तो दिख तो रहा है। आज परू दिखाती हूँ बैक कैमरे से, दिखाती हूँ वो जा रहा पार्टी में आज, तो मैं अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको।
को भागने लगे। दिखाते हो गए, छोड़ गए। मैंने बोला था बैठ जाते वहाँ, भाग गए। मैं बोले जा रही हूँ वहाँ बैठ जाते, वहाँ बैठ जाते वहीं पर। अरे चल आ जाना, काम करने आए, तुमने काम कर लेना बस। बोलना क्या क्या बोल रहे हैं? ऑफ कैमरा लड़ाई होती रहती है, बस बोल तो दे। हेलो हेलो, नहीं जो बोल रहा था वो बोल। हेलो कह रहे हैं हाँ बैठ जाते हैं, अपना जो काम करने आई वो काम कर ले, बैठ के क्या करेगी, ऐसे बोल रहे हैं। मैं कह रही एंजॉय कर ले, मूड हो जाएगा ठीक। हाँ छुट्टी चल रही है, एंजॉय कर ले। हाँ छुट्टी कर ली है, छुट्टी में था आज विनोद, छुट्टी थी आज विनोद की। चलो जा रही हूँ मैं, बाद में शूट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बिग बाज़ार पे 1 से 5 तक सेल लगी हुई है और काफ़ी सारा मतलब अच्छा डिस्काउंट आया हुआ है चीज़ों पर। तो ये था क्लोथिंग सेक्शन, जो कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले यही दिया हुआ है इन लोगों ने, ताकि लोग सामान ले या ना ले, राशन ले या ना ले, लेकिन ये क्लोथिंग जरूर देखें तो कुछ ना कुछ तो परचेज करके ही जाएंगे। और काफ़ी सारा नया स्टफ भी आया था, कुछ पुराना भी था, बट जो ऑफ़र लगे वो मुझे सही लगे, अच्छे खासे आए हैं। ये टाइम ऐसे होता है, कुछ ऐसा सेल का टाइम होता है जब आप परचेज करना चाहें तो वो ये मतलब अगर कुछ परचेज करना चाहते हैं तो टाइम बेस्ट होता है। और कुछ जो मैं पहले लेके गई थी, मैंने उनके प्राइस भी देखे तो जो वो ड्रॉप हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ से टी शर्ट्स ली हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये देखो, आप बोलते हो हाथ पकड़ के रखो, इस मैडम का हाथ कौन पकड़ सकता है, मतलब इतनी ब्रेव है ना ये तो थैंक गॉड कि मैं इसके पीछे खड़ी हूँ, ऐसे नहीं तो ये मतलब खुद तो गिरेगी और दूसरों को भी गिराएगी। ये देखो मुझे गिरा दिया होता भी इसी में, तो मैडम को कोई नहीं संभाल सकता है, इसलिए ड्यूटी विनोद की रहती है। अब आ गए हैं किड सेक्शन पर, तो किड सेक्शन में देखिए कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं ना। जब हम पिछली बार लेके गए थे तो बिल्कुल भी ड्रेसेस नहीं थी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था बिग बाज़ार, मुझे लगा था क्या है यार। बट अब बच्चों के कपड़े हैं या बड़ों के जो भी हैं, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। आप भी अगर आपके पास में कोई आसपास बिग बाज़ार है तो आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ये एथनिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये था 800 में, शायद इस पर कुछ डिस्काउंट भी होगा, बट जो उसका प्राइस टैग था वो 799 का था, यानी 800 का था। और काफ़ी अच्छे थे, और जो फ्रॉक्स वगैरह है ये भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्राइट कलर, जैसे समर के लिए हमें चाहिए होते हैं ना वैसे वाले कलर थे। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा। मैंने यहाँ से परी के लिए भी लिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगी। और ये देखिए, स्कूल बैग्स पे 50% ऑफ था फ्लैट, और बाकी जो स्टेशनरी थी उस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था। तो यहाँ से भी मैंने कुछ एक लिया है, कुछ एक चीज़ें मतलब जो भी चीज़ें मैंने ली वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाऊंगी, इसमें नहीं दिखा रही, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये मैडम अपने लिए देखिए चूज़ करती जा रही है, और ये इसने उठा करके 4-5 तो उनको पकड़ा ही दिए थे कि उसको लेना है, बट हाँ वो मान भी जाती है बहुत ईजिली, वापस भी रखवा देती हूँ मैं। तो ये लिया है परी ने अपने लिए, आप देख सकते हैं कैसे खुद की परचेज़ करके घूम रही है ये परी ने खुद चूज़ किया अपने लिए, और मुझे भी ये सही लगा, तो ये हमने परी के लिए लिया है। और उसके बाद उसके जैसे और भी यहाँ पर शैतान बच्चे हैं जो अपना इधर उधर घूम रहे हैं अपना सामान ले करके। तो बाकी जो टॉयज़ वगैरह थे उस पर भी फ्लैट 50% डिस्काउंट चला हुआ था, कुछ एक रेंज थी तो उस पर भी था, मतलब ऑलमोस्ट 50% तो था ही डिस्काउंट, और अगर आपके पास इसका कार्ड है तो एडिशनल 10% और हो जाता है। और अब देखिए आगे परी कितने समझदार है। नहीं डिस्काउंट का था उसे, पूछ लो जरा परी ये वाली लेनी है, और ये दूसरे वाली पर ये वाली लेनी है, देखो ये वाली ये देना, ये बेबी बेबी उठा लेना है ये आपको, परी, ये देखो। वो देखो वो ले लो, रैबिट ले लो, रैबिट हाँ परी। पापा के पास है जी।
कुछ नहीं चाहिए इसको, चलो नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस इसको बॉल चाहिए, बॉल मिल गई।